था, इसे चालू नरेंद्र मोदी जी ने किया था, है ना। दीदी ही झाड़ू क्यों निकाले, भैया झाड़ू क्यों नहीं निकालेगा। अब बच्चों से क्यों साफ सफाई करा रहे, स्कूल में मैट भी तो है। क्यों, इसमें कोई शर्म की बात है क्या? नहीं सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं ऐसा क्यों। ऐसा क्यों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत CBSE की तरफ से ही इंस्ट्रक्ट है, पहली बात तो, कि एक वीक का जो है हम स्वच्छ भारत अभियान चलाएं। वैसे एक वीक की बात नहीं है, हमेशा की बात है। देखिए, इसमें सोच की साफ़ सफाई, हमेशा मम्मी ही घर में झाड़ू क्यों निकाले, है ना। दीदी ही झाड़ू क्यों निकाले, भैया झाड़ू क्यों नहीं निकालेगा। ऐ तो एक तो ये है कि भाई हमें इसमें हिचक किस बात की है, और हिचक है तो हिचक को तोड़ना है। इसीलिए जब हमारे देश में प्रधानमंत्री झाड़ू उठा सकते हैं तो हम झाड़ू क्यों नहीं उठा सकते हैं। उसमें यशपाल अंजना, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हाँ, यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं। तो आप साफ सफाई का कुछ महत्व बताइए। हम अपने भारत को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, इसलिए हम सभी को बोलना चाहते हैं कि सब अपने आसपास साफ सफाई रखें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। आपका नाम? खुशी पटेल। तो क्या आप बता सकती है स्वच्छ भारत अभियान चालू कब से हुआ था? 2 अक्टूबर 2014। और इसे चालू किसने किया था? इसे चालू नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और क्या आप बता सकती है इसके पीछे का कारण क्या था? हमारे देश को स्वच्छ रखना था, और गंदगी ना हो हमारे देश में, हमारा देश स्वच्छ रहे। टीचर्स का साथ साथ बच्चे भी सीखेंगे। अब स्वच्छता किसको जरूरी नहीं है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी को लिए बहुत आवश्यक है। और स्वच्छता के लिए ये आज से ही नहीं, हमारे प्राचीन काल से ही, सुबह से ही घर के महिलाएं उठते से सबसे पहले देखा आपने झाड़ू ही लगाती है। झाड़ू लगाने से ही हमारे यहाँ पर देश की परंपरा पहले से ही रही है, जैसे पहले से विगत कई वर्षों से चला आ रहा है, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम लगा रहे हैं। ठीक, थैंक यू। आप स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कुछ बता सकती हैं? हमें हमारे देश को स्वच्छ रखना चाहिए ताकि कोई बीमारियां भी ना फैले। और थैंक यू। सो हीरामणि, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट स्वच्छ भारत अभियान? स्वच्छ भारत अभियान, इट इज़ अ ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी एंड वॉज स्टार्टेड बाय नरेंद्र मोदी हु इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर। एंड ऑन दैट डे वी इन आवर स्कूल वी आर डूइंग दैट। महात्मा गांधी जी वॉन्ट अ नेशन क्लीन एंड डिसिप्लिन, एंड इनडायरेक्टली द क्लीनिंग वॉज इनडायरेक्टली अपॉन डिसिप्लिन। थैंक यू। फ्रीडम फाइटर एंड हिज मेन ड्रीम इज टू कीप अवर इंडिया क्लीन, स्वच्छ भारत चाहते थे वो। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो है आम की गुठलियाँ लगाई थी, वो आम की गुठलियाँ ऐसे बहुत सारे अपनी जगह आम बन चुके हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको इसको संरक्षित करना है। तो संरक्षित करने के लिए क्या करना है, वहाँ से हम एक एक ईंट उठक लाएंगे, इसका आइट साइड जो है ईंट जमा देंगे, है ना, आइट साइड ईंट जमा देंगे, और इसको जो है हम पानी भी देंगे, अभी हम पानी की व्यवस्था कर लेते हैं। नल वगैरह जो भी नींद नल होगा तो पहले हम इसको 35 लाख पानी पिलाएंगे, लेकिन पानी पिलाएंगे। ठीक है, आगे बात सुन में। तो सर बताइए, आप स्वच्छ भारत अभियान से क्या समझते हैं? स्वच्छ भारत अभियान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी स्कीम है। उनके अनुसार हम लोगों को सभी को स्वस्थ रहना चाहिए, हमारे आसपास के परिसर को, जहाँ भी हम रहते हैं, भले ही वो हमारा घर हो या हमारा स्कूल हो, हम सब जगह को हमें स्वच्छ रखना चाहिए। आज हमारे स्कूल में थोड़ी सी दीवारें ख़राब हो रही है, तो हम यहाँ पर मेरे कुछ बच्चों के साथ में अपनी दीवार को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2014 के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया था, स्वच्छ भारत अभियान।
उसी की याद में हम हर साल जो है एक स्वच्छता सप्ताह मनाया जाता है। CBSE बोर्ड की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं जिसके तहत जो है बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि वो अपने आसपास की साफ़ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ऐसा माना जाता है कि अगर हमारे आसपास का वातावरण साफ रहा तो बच्चे भी जो हैं वो भी हेल्दी रहेंगे सारी चीज़ें। और किसी भी बड़ी चीज़ को मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए बच्चों की भागीदारी जो है बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स है कि 8 को लेकर ये जा क्या रहे हैं और इनका करेंगे क्या। अब बताइए आप इनका क्या करेंगे। इनको हम जो पेड़ पौधे छोटे हैं उनको सहारा चाहिए इसीलिए हम ले जा रहे हैं। और कोई पंछी वगैरह कोई भी मतलब बर्ड्स वगैरह ना आए और इन्हें ना छेड़खानी करे इसलिए हम इन्हें ले जा रहे हैं और इन्हें इनके आसपास लगा रहे हैं ताकि इनका बाउंड्री कर रहे हैं। आप बताइए। हम इनको इसलिए ले जा रहे हैं ताकि पानी अच्छे से इनके अंदर तक जाए और जो इनको अच्छे से ग्रोथ हो सके और कोई भी इन्हें छेड़खानी ना करे। जैसे कि बच्चे कभी कभी इनको तोड़ देते तो वो समझ जाते हैं कि हाँ ये यहाँ पे पत्थर वत्थर रखे हुए ताकि यहाँ पे हम छेड़खानी ना करें। सर ने इको ब्रिक भी बताइए। इको ब्रिक क्या है आप बताएंगे कुछ? मैं बताऊँ इको ब्रिक वो है जो कि हमें हमारे आसपास जितना भी कचरा मिलता है उसे हम एक बोतल में इकट्ठा करें और उससे एक इको ब्रिक बनके तैयार होती है। ओके थैंक यू। चलाया था बच्चों को बोला था कि आपको आम की गुठली खा करके फेंकना नहीं है क्योंकि हम आम की गुठली खा करके फेंक देते हैं। इसी प्रकार हमारा नेचर भी बन जाता है कि किसी से भी हमने कोई फ़ायदा लिया और बाद में उसको भूल जाते हैं। तो ऐसा नेचर हमारा होना नहीं चाहिए। हमारा नेचर कैसा होना चाहिए कि जो है हम किसी ने हमारे लिए कुछ किया हम उसके लिए ओब्लाइज रहे हमेशा उसके लिए हम एहसानमंद हमको रहना चाहिए। व्यक्ति को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। तो उसी बात को समझाने के लिए मैंने कहा था कि आप जो आम की गुठलियाँ लेकर आए और आम के आपको मतलब पौधा लगाना है। तो ये सारे पौधे अभी बहुत सारे पौधे पूरे पूरे प्रमाइसेस में देखेंगे पूरे मैदान में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। लगभग मेरे हिसाब से 100-200 पौधे होंगे कम से कम। तो अभी क्या है कि यदि इनको हम संरक्षित नहीं करेंगे तो जो है ये ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मैंने अभी सभी बच्चों को बुलाया है तो अभी सबके आस पास ईंट ला कर रख रहे हैं और इसको भी संरक्षित कर रहे हैं। जैसा जानते हैं हमारे स्कूल में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। स्वच्छ भारत अभियान का पूरा जो मोटिव है हमारे इंडिया को क्लीन करना। स्वच्छ भारत का मतलब है हमारे देश से कचरा मिटाना और हमारे देश को स्वच्छता के मामले में सबसे आगे पहुँचाना। थैंक यू। योर नेम? खुशी देते। कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट समथिंग स्वच्छ भारत अभियान? रिलेटेड टू स्वच्छ भारत अभियान वी शुड क्लीन आर कंट्री दैट्स वाई वी डू स्वच्छ भारत अभियान एवरी ईयर रिलेटेड टू दैट रिस्पेक्ट टू गांधी जी। ओके थैंक यू। तो आप बता सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान शुरू कब हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान जो है 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था और हम उसी चीज़ को फॉलो करते हुए आज हमारे स्कूल में स्वच्छ भारत अभियान को सेलिब्रेट कर रहे हैं।